बात करें, सॉरी, कॉमर्स ग्रेजुएट जिन्होंने बीकॉम बीबीए बीकॉम एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिनके पास कैंडिडेट के पास ये डिग्री है, वो किन कॉम्बिनेशन के लिए बीएड में एलिजिबल है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में वो देख लेते हैं। सिंपल है कि इन तीनों का कॉमर्स ग्रेजुएट यहाँ लिखा है ना, तो मेन बीकॉम बीबीए और बीकॉम एलएलबी इनका कॉमर्स ही मेन सब्जेक्ट बन रहा है, कॉमर्स इनका मेजर ही बनेगा, ये पक्की बात है। जो मेजर बनेगा उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं हो, आपको स्वीकार करना पड़ना है, तो आपके लिए कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। गाइडेंस की जरूरत है उसको आगे मेंटेन बेटर कैसे बनाना है। हमारे पास अब बचती है इकोनॉमिक्स या लैंग्वेज, इसमें से कौन सी लेनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या नहीं की है, आप ग्रेजुएट हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। अब ये बात करने लगे हैं कि हमने इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए साथ में या लैंग्वेज लेनी चाहिए। लैंग्वेज में फिर देखिए क्या क्या अवेलेबल है, इंग्लिश अवेलेबल होगी, आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, जहां अगर आपने हिंदी मेरे ख्याल में जिन्होंने पढ़ी होगी आउट ऑफ पंजाब के यहाँ, वो हिंदी भी पढ़ी हो सकती है, तो यहाँ पर पंजाबी होगी, है ना, तो रीजनल लैंग्वेज को फिल कर लीजिए। अच्छा, तो अब ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स लेनी चाहिए कि नहीं। अगर ये मेरे पास एक चार्ट बना हुआ है, सबसे पहले ये देखेंगे कि आपने ग्रेजुएशन ही की है, मतलब बीकॉम बीबीए या बीकॉम एलएलबी ही की है, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है। अगर आपने की हुई है, मान लीजिए वो इकोनॉमिक्स की है, ठीक, ये भी हो सकता है कि वो लैंग्वेज की है। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स की है तो आप कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स ही लीजिए। दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर बनना चाहता हूं और इकोनॉमिक्स ही टीच करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो इकोनॉमिक्स ही लीजिए। और ये भी आपके मन में हो कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स की करनी है, कॉमर्स की नहीं करनी, दैट इज व्हाई यू मस्ट चूज इकोनॉमिक्स। अगर हाँ, दूसरी बात, कॉमर्स वालों को पीजी कॉमर्स की करनी ही होगी। अगर कोई कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इकोनॉमिक्स में उसके ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो मैं बातें बताया हूं, तो फिर वो इकोनॉमिक्स ही लेगा। अदरवाइज आपको आपकी एलिजिबिलिटी डायरेक्ट जो बीएड करने के बाद बनेगी, वो पीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए कॉमर्स के लिए बनेगी। अगर आप इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ते हो और बाद में एम कॉम प्लस कर लेते हो, एम कॉम यहां पर कॉमर्स के लिए और एमए इकोनॉमिक्स जहां कर लेते हो, अगर एमए इकोनॉमिक्स कर लेते हो, इकोनॉमिक्स ली हुई है आपने, यहां पर ये आपका बन गया बेस्ट कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स, फिर आप ये जरूर कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है तो, अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में ज्यादा है तो आप है ना, जॉब अवेलेबिलिटी का देखें तो लगभग मेरे ख्याल में सेम होती हैं जो ये स्कूल लेक्चरर की निकलती है पोस्ट। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट, ये बहुत कम लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि उन्होंने 10th तक टीच करने के लिए एलिजिबल बनना है, तो उनको फिर लैंग्वेज पहले चूज करनी होगी जो हिंदी इंग्लिश पंजाबी है, दूसरा लैंग्वेज क्यों चूज करनी होगी। अगर वो चाहते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी लैंग्वेज में करेंगे, फॉर एग्जांपल मोस्टली जो अगर लैंग्वेज चूज करते हैं तो इंग्लिश ही करते हैं, है ना, तो उनको इंग्लिश साथ में लेनी चाहिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का इकोनॉमिक्स का नहीं, इंग्लिश हिंदी पंजाबी गुजराती जो भी आपकी लैंग्वेज आप करना चाहते हो उसका है, तो आप वो चूज करिए। मीन कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किसकी करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस में है और आप स्किल्ड ज्यादा किस में हो। अब अगर हाँ, ये ज्यादा है कि अगर आप स्कूल 10th वाले तक टीजीटी में जाना चाहते हो ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, अगर ये टीजीटी में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमर्स वाले सिर्फ कॉमर्स के लिए एलिजिबल रह जाते हैं वो स्कूल में, इवन पीटर सीटेट में भी प्रॉब्लम आती है, तो ये टीजीटी के लिए बनना चाहते हैं, फिर उनको ये लैंग्वेज ही कोई चूज करनी होगी। और लैंग्वेज चूज करने के बाद आपका ग्रेजुएशन में यहां पॉइंट लिखा भी है, ये रहा एडिशनल, ग्रेजुएशन में 3 साल का
तीन साल के, तीन गुना दो पेपर होते हैं, छह पेपर हो गए, तीन साल के एक ही मंथ में हो जाते हैं, वो एडिशनल आपको देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ी हुई है तो आप इंग्लिश के तीन पेपर दोगे, आपने टीचिंग ऑफ हिंदी ले ली है यहाँ पर मिल गई है आपको, है ना, तो आपको टीचिंग ऑफ हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको वो मिलनी है जो कम से कम आपने एक साल पढ़ी है। वो मोस्टली पंजाब वालों के पास इंग्लिश और पंजाबी होती है, और दूसरी स्टेट वालों के पास, मान लो गुजरात है, उनके पास हो सकता है गुजराती हो, तो वो इसके अलावा आपका मेजर और माइनर का डिफरेंस नहीं रह जाता। हाँ नहीं, मेजर आपका यही रहेगा कॉमर्स, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है तो मैं बीएड में इसलिए इकोनॉमिक्स लूंगी, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना है, क्वेश्चन मेरा क्या है ये देख लीजिए, कि आपका इकोनॉमिक्स टीच करने में इंटरेस्ट है। नेचुरली अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो टीच करने में हो सकता है, क्योंकि बीएड में ये बात जरूरी है, बीएड में आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी, आपको कॉमर्स नहीं पढ़नी, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी, आपको हाउ टू टीच इंग्लिश, हाउ टू टीच कॉमर्स, हाउ टू टीच इकोनॉमिक्स, मेथोडोलॉजी ऑफ कॉमर्स, वो आपने पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहेंगे कि एम्स ऑफ कॉमर्स क्या होते हैं, है ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग इसके क्या होंगे, ऑडियो विजुअल इसके के लिए क्या यूज होगी, ये ऐसा सिलेबस आपका होगा। तो इसलिए आप ये नहीं सोचना कि यार पहले भी मैं इकोनॉमिक्स से तंग था, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, अकाउंट से तंग थी तो अब बीएड में फिर पढ़नी पड़ेगी अकाउंट्स, ऐसे नहीं है। हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी जहां, पंजाब यूनिवर्सिटी में यहां पक्का है कि 10% कंटेंट होता है वो बहुत ही हल्का लेवल का होता है, वो इजीली आप कर लेते हो, आपका मेजर दो तीन टॉपिक होते हैं वो इजीली आप कर लेते हो, छोटे छोटे उसके क्वेश्चन होते हैं, 90% to 100% ये आपने मेथोडोलॉजी ही पढ़नी है। अच्छा बीकॉम और बीबीए वाले भी एलिजिबल नहीं है, अगर आपके पास बीकॉम करके आपने कॉमर्स लैंग्वेज या कॉमर्स इकोनॉमिक्स आपने रख लिया, कर ली बीएड, आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। जब तक आप एमकॉम या दूसरी डिग्री इकोनॉमिक्स की या रिलेटेड, जब भी जो भी यूनिवर्सिटी इससे रिलेटेड आपको लैंग्वेज की अलाउ करती है वो आप कर नहीं लेते। दैट इज वाई कॉमर्स के लिए ये जरूरी है हर हालत में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर कर ले। दूसरा उनके लिए एडिशनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का किसी लैंग्वेज का जरूर दें, और ताजो वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर आप टीजीटी नहीं चाहते फिर आप उसको प्रेफर ना करके अपने पीजीटी पर फोकस कीजिए। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।